हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और आप सब अपने अपने घरों पे सेफ हो गए। आज की वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट माय एनिवर्सरी व्लॉग। तो कल हमारी एनिवर्सरी है एंड इट इज़ माय सिक्स्थ डे इन ब्रैम्पटन। तो आई हार्डली नो यहाँ पे कुछ क्या कैसे होता है, बट आई एम गोइंग टू सरप्राइज पीयूष। अभी के लिए मैं पीयूष की कज़न के साथ जा रही हूँ प्रीमियम आउटलेट्स और वहाँ से आई शॉप अ बिट। पीयूष को एक टर्टल नेक चाहिए थी, बहुत बेसिक कलर की टर्टल नेक चाहिए थी। प्रॉबेबली आई विल बाय समथिंग इन ब्लैक, बेज और ऑफ वाइट। सो कल के लिए वी एंड इट इज़ आर फर्स्ट एनिवर्सरी सो इट हैज़ टू बी स्पेशल। कल के लिए वी बुक्ड अ होटल, उसका नाम है फॉल्स व्यू बाय मैरियट। तो प्रोबेबली कल तो हमारा वहाँ का प्लान है। इसके अलावा ऑल्सो पीयूष ने कहीं पे डिनर के लिए रिजर्वेशन कराई है, जो पीयूष ने ऑलरेडी बता दिया। लेट्स जस्ट सी कल क्या होने वाला है। अभी रात को आई विल डेकोरेट आर रूम अ लिटिल बिट। पीयूष नाइट शिफ्ट पर जाता है सो ही विल कम टुमारो मॉर्निंग एंड आई जस्ट होप ही लाइक्स द सरप्राइज। आई टेक यू गाइस अलोंग। सो वी हैव रीच्ड टोरंटो प्रीमियम आउटलेट्स एंड हियर इज पीयूष कजन। से हाय टू माय व्लॉग। एंड यहाँ पे पीयूष के मामी। मामी से हाय टू माय व्लॉग। बानू थोड़ा एक्सप्लेन करो कि अभी हम क्या कर रहे हैं। वी आर फाइंडिंग आउट द स्टोर। या हम इधर अभी ऑल सेंट्स ढूंढ रहे हैं। ये क्या एक्सप्लेन करो ना। ओके या सो राइट नाउ वी आर ओवर हियर। ओके एंड इट्स जस्ट शोइंग व्हिच डायरेक्शन वी हैव टू गो। ओके सो वी आर गोना गो स्ट्रेट दिस वे एंड देन Just follow the line. Okay. तो चलिए शुरू करते हैं। So this is me in continuation to the previous clips that you saw. मैंने पीयूष के लिए ऑलरेडी शॉपिंग कर ली है, सिर्फ एक हुडी ली है। हुड भी नहीं है एक्चुअली, पुल ओवर है, क्योंकि वैसे तो पीयूष को टर्टल नेक चाहिए था बट मुझे मिला नहीं। एंड यस, ऑल सेंट से लिया है, तो वो मैं आपको तभी दिखाऊंगी जब पीयूष का रिएक्शन नोट करेंगे। राइट नाउ इट इज़ 1:15 एंड आई हैव डिसाइडेड टू डेकोरेट आर रूम अ लिटिल बिट। आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड पीयूष का रिएक्शन। ही माइट बी होम इन अनदर 3-4 hours, तो मैं तब तक के लिए जाग रही हूँ। लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द डेकोरेशन। सो आई हैव डन अ लिटिल डेकोरेशन ऑफ व्हाट यू सी, दिस। बलून्स मैं चाहती थी कि मैं पूरे फ्लोर पे करूं, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग बड़ा डिफ़िकल्ट है रात के 4 बजे ये सब करना। बट मैंने जितना किया बहुत दिल से किया। ऑल्सो पीयूष, वाइल यू आर वॉचिंग दिस, रिमेंबर यू सेड नो मटीरियलिस्टिक थिंग्स। तो मैंने आपको अपनी सांसें दी हैं और ये सांसें कभी वापस भी नहीं आएंगी। ऑल्सो फॉर एवरी वन, द इंडियननेस इन यू नेवर गोज। तो मैं जल्दबाजी में कार्ड लाना भूल गई एंड आई वॉन्ट टू स्टार्ट दिस कार्ड वाला रिचुअल विद पीयूष, लाइक ऑन एवरी एनिवर्सरी और प्रोबेबली ऑन एवरी बर्थडे वी आर गोइंग टू गिव ईच अदर अ कार्ड। तो अब कार्ड नहीं था, लेकिन ये हैप्पी एनिवर्सरी वाले बैनर के बीच में से ये निकला और मैंने इसके पीछे एक नोट लिख दिया। आई होप पीयूष रियली लाइक इट। आई ट्राइड कॉन्टैक्टिंग पीयूष 3-4 बारी, फ़ोन कर चुकी हूँ कब आ रहे हो, बट आई नो वो यूजुअली मॉर्निंग में ही आते हैं। सो वील वेट एंड आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड हिज रिएक्शन।
वो आ गया, देखो देखो वो आ गया, देखो मेरे सारे कार्ड से, मेरे आपके कार्ड से नहीं लाई, फिर कहाँ से है? और जो मेरे को कवर मिला है वो भी पूरा पूरा पड़ा, देखो फिर कहाँ से है? अच्छा हाईनेक आ गई है, मिली नहीं, मिली नहीं यार, इसकी होती नहीं है देर में, मेरे को पता नहीं दाना, और मेरे को ये भी लग रहा है कि मैं सिमिलर ले आई हूँ, आई हैव अ मरून इन दिस, या मेरे को घर आके रियलाइज हुआ, बट वी कैन एक्सचेंज इट, इफ वेरी नाइस, उसमें कार्ड भी था पीयूष जो शायद आपने निकालते निकालते गिरा दिया, वो कार्ड वैसा है वो जैसे वो बैनर का हुआ है, चलो ये मन में पढ़ लो, कुछ खास नहीं लिखा मैंने, सस्ता जुगाड़ू कार्ड है बस, थैंक यू, वेलकम, हैप्पी एनिवर्सरी, तेरा गिफ्ट तो रात को है मुझे पता है, इट्स ओके, चलो अब हम ये सारे नीचे रखे और सोए, और मैंने आपको अपनी सांसें दी हैं जो दोबारा वापस नहीं आएंगी, सारा दिन अभी रात हो गई है और क्या, और बता, एक घंटे से वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी और मैं एक घंटे से वॉशरूम में थी, एंड यू टुक ऑलमोस्ट एन आवर टू कम, अभी मैंने जस्ट अभी एक सेकंड पहले मैंने बोला कि पोपट हो गया, पीयूष तो ऊपर आने रहा, मैं सोने लगी हूँ, तो मैंने सब कुछ हटा दिया, मतलब अपनी साइड से क्लियर कर दिया, हाँ मैं वो बोल देते, मैं बना देती हूँ कुछ, दैट्स ओके, चल, हेलो एवरीवन, सो टुडे इज 16th एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आर होटल, अभी के लिए वी हैव कम टू पीयूष का यार्ड, यहाँ पे पीयूष को थोड़ा काम था और ही हैज गॉन टू गेट अस सम सैंडविचेस और बर्गर्स, पीयूष कह रहे हैं ये बहुत फेमस स्वीट शॉप है यहाँ की और इंडियन बर्गर और इंडियन सैंडविचेस अच्छे मिलते हैं यहाँ पे, ऑल्सो वी आर गोइंग टू लीव नवाब एट पीयूष की मामी हाउस, सो अनदर 45 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम हेयर, and Nawab is getting all uneasy. Yes, Piyush loved the surprise. आपने पिछली क्लिप्स में देखा ही होगा, and let's just go. We'll take you guys along the day. 1,000 years later. यहाँ रखा होना चाहिए कैमरा और इतनी अच्छी व्लॉगिंग हो ना, बहुत जल्दी हैंड्स फ्री लेते हैं, बहुत ज्यादा जरूरत है, और मैं व्लॉग बना रही हूँ कि मेरा पति मेरे को एनिवर्सरी पे कॉफी, एक तो थोड़ा ऊंचा बोला करो, तो फिर बन भी नहीं रही, श्राप दे दिया मैंने, जा यार तेरे को इतना नहीं काम करना था तुझे, अच्छा दैट वे स्मार्ट बॉय, फैंसी से होटल में आ जाते हैं, कॉफी बनानी आती नहीं है, बताओ, अरे तो तू इतना दे दिया मुझे, सुबह से कह रहा हूँ सिर दुख रहा, सर दुख रहा, सुबह से हमने इतना डिसअपॉइंटिंग फूड खाया, हर जगह तेरे बाल, ये सब सोचा था को, तब तो पहले दिन बातें करके इतना इंप्रेस कर दिया था, मैंने कहा था मम्मी इसी से करनी है, और कुछ शक्ल देख दी आ जाती है रात में, जेन्युइनली आपको लगा नहीं था, तो आपको तब भी उसको लगा था इतनी इंडिपेंडेंट लड़की मेरे को मिलेगी, कल्ले पहन लिया मेरे बोल, अब व्हाटएवर, आई विल क्विकली शो यू गाइस द view from our room, we are out and about for our dinner, और पीयूष ने कुछ किसी जगह पे रिजर्वेशन कराई है, right now he is busy finding his vaccine certificate and I'll quickly give you guys a tour, so we are going to the keg and
या दिस इज हाउ इट लुक्स. तो जो लोग कहते हैं ना कि बर्फ बर्फ, दिस इज द अगली पार्ट ऑफ बर्फ. एंड already done with our dinner. It was good, right Piyush? No, it was good. Piyush Sharma aa gaya. So technique problem ko maddenazar rakhte hue Piyush decided not to come in the video. Now we are heading to ये तो बड़ा बेइज्जती कर रहा है आप मेरे व्लॉग की. नाउ वी आर हेडिंग टू यू लुक गुड टुडे नाइस. सो मोस्ट प्रोबेबली आई कैन यू रिकॉर्ड देयर. नो फोन्स अलाउड. नो वीडियोग्राफर. फोटोज अलाउड. पीयूष वो एक्सेंट में बोल लेते हैं, मैं तो नहीं बोलती, मैं तो गवार हूँ एज ऑफ नाउ. सो या वहाँ से होके आके देन आई विल रिकॉर्ड एंड कीप यू गाइस पोस्टेड. सो वी आर ऑलरेडी डन विद द कैसीनो पार्ट एंड वी डू नॉट प्रमोट इट, बट या इट वॉज गुड. इट वॉज माई फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस एंड नाउ आई एम हैविंग दिस आइसक्रीम फ्रॉम स्टोर. अब चला गया तो मेरे को नाम नहीं याद. पीयूष पानी पी रहा. सो दैट्स अबाउट इट. हम लोग ऑल द वे डाउन आ गए हैं टू हैव दिस व्यू. अभी मैं कैमरा फ्लिप करके दिखाती हूँ. वेरी ब्यूटिफुल. वेरी ब्यूटिफुल. Still help people with your information. बताओ कितने लीटर पानी गिरता है. तो हम टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे वो स्टार लगा देंगे. नहीं पता हमें भी पूरा. मतलब आगे तक जाएगी या देन इट टर्न्स अराउंड. वो लाइट जल रही है उधर, वो जो रेनबो वाले कलर्स वाली. नहीं नहीं अच्छा वो हाँ वहाँ तक आप जा सकते हो. ओके जाएंगे. मैं भी नहीं कभी गया, वो समझ में जाएंगे. पर आप कह रहे थे आप हो आए हो नीचे. जी मैं गया से. बहुत ब्यूटीफुल व्यू है और ऐसे मिस्ट भी काफी. चले आगे. दिस ब्यूटीफुल. बड़ी ज़्यादा नीचे आ गए हैं और हमारा होटल काफ़ी ज़्यादा ऊपर है और तन्वी धवन थक भी सकती है. क्या है? वो दिख रहा है पीयूष. एनिवर्सरी वाले दिन टॉर्चर हुए. मैंने क्यों ही मैंने जोश जोश में बोला था कि आज गो. फक बीप बीप डाल देंगे बीच में. वी आर ऑलमोस्ट देयर. अभी तो मैंने फोटो सेशन करना होटल पहुंच के. एनर्जी देख रहे हो इसी बात पे. लाइक और सब्सक्राइब कर दो. और जो मैंने चढ़ाई चढ़ी है व्लॉग करते हैं इस बात पे भी लाइक होना चाहिए.
कोई फायदा नहीं है शादी करने का, जस्ट टेलिंग यू गाइस। मस्त चला गया पीयूष आगे आगे, और यहाँ बेचारी बीवी इतने जतनों के बाद। 2 मिनट्स ब्रेक भी होना चाहिए वैसे बीच में, बट हाउ इज द जोश, वेरी लो। ये वो करते हुए पकड़े गए इंसान रेस्ट लेते हैं, मैंने रेस्ट नहीं लिया। डू यू सी ये लड़का वैसे बड़ा आपने पंच लाइन मार मार के व्लॉग को इंटरेस्टिंग कर दी पीयूष। अभी तो मैंने एनर्जी उस लेवल की है कि मैंने कहाँ जाके पीयूष कपड़े चेंज करके फोटो क्लिक कराने। नो यू शुडंट बी। हेलो एवरीवन, सो इट इज डे 2 एंड यस्टरडे इट वाज क्वाइट मैग्निफिसेंट। बहुत अच्छा रहा सब कुछ, वी हैड ग्रेट फूड। हम लोग केक गए थे, आई गेस मैंने पिछली क्लिप्स में मेंशन भी किया है, एंड आई विल टेल यू वी इट इज़ फेमस फॉर इट्स स्टेक एंड इट वॉज वेरी डिलिशियस। स्पेसिफिकली क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम खाया था। ऑल्सो उसके बाद हम लोगों ने एक वॉक करी नायग्रा फॉल्स की तरफ, एंड या वेरी ब्यूटिफुल। नाउ आई क्विकली शो यू द व्यू, मॉर्निंग व्यू, बियॉन्ड ब्यूटिफुल, इट इज़ बियॉन्ड ब्यूटिफुल। जस्ट अ सेकेंड, so this is the view. Oops, that is how it looks. So day before yesterday I went with Piyush ki cousin to Toronto premium outlets, aur aaj hum aaye Niagara on the Falls outlet. Aur bhi jagah hai Piyush, matlab bahut sari jagahon pe hai. पीयूष में कोई शॉपिंग पे लेके आया है एनिवर्सरी जिसमें वॉलेट नहीं उठाया। ऑल द प्रीमियम ब्रांड्स सबको इकट्ठा करके, जैसे इंडिया में मॉल्स है वहाँ पे ये आउटलेट आउटडोर मॉल्स कह सकते हैं या फिर आउटडोर शॉप्स या शोरूम्स कह सकते हैं। आई क्विकली शो यू अराउंड। So this is me today and while editing the vlog I realized कि vlog बहुत लंबा हो गया है। Yes, हमने बहुत सारी shopping करी थी but I guess उसके लिए एक all together नया vlog चाहिए होगा। अभी के लिए I'll wind up the video and I'll be back with more videos. Please hit the like button if in case you like the video, subscribe if in case you haven't, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ऑल्सो कॉमेंट डाउन कि आप आगे इन फ्यूचर में कैसी वीडियोज देखना चाहते हैं। टिल देन कीप मेकिंग मेमरीज विद योर लव्ड वंस। आई विल सी यू गाइज अगेन।